हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में एक डेरिवेशन किया था। जब कोई पार्टिकल है किसी ऐसे साइक्लोइड पथ में गति करे ऐसे, ठीक है, तो उस पार्टिकल का डेरिवेशन किया था पूरा कि उस कहीं पे होगा तो उसकी गति क्या होगी, एंगल क्या होगा, उस पे एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ देख लिया था हमने। तो आज हमें उसी बेस पे एक एग्जांपल करते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वर्टिकली वी ए प्रोजेक्ट विद वेलोसिटी वी फ्रॉम द कस्प ऑफ द स्मूथ साइक्लोइड व्हिच एक्सिस इज वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोवेस्ट डाउन द आर्क। यानी कि जो हमें हमने पढ़ा था वही शेप में ये बोल रहा है कि कोई पार्टिकल वो ऐसे कस्प, सॉरी, साइक्लोइड नुमा आकृति में गति कर रहा है, और ये जो कस्प, ये इसका कस्प होता है। तो इसके एक छोर से हम इस पार्टिकल को कितनी वी वेलोसिटी से छोड़ रहे हैं। जो पीछे हमने जो डेरिवेशन किया था उसके अंदर हम इसको जीरो वेलोसिटी विरामावस्था से इसको छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वी वेलोसिटी से उसको छोड़ रहे हैं। ओके, और ये इसका वर्टेक्स है। ओके, तो इफ ए इज द रेडियस ऑफ द जनरेटिंग सर्कल, तो इसके अंदर एक जनरेटिंग सर्कल होता है ना, इस जनरेटिंग सर्कल की रेडियस जो है वो ए दे दी यहां से यहां तक की। सो दैट द टाइम ऑफ रीचिंग द वर्टेक्स इज, यानी कि यहां से चल के वर्टेक्स तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो इसने बोल दिया टू अंडर रूट ए बाई जी टेन इनवर्स रूट फोर जी बाई वी, ये हमें शो करना है। तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई क्या? एक साइक्लोइड नुमा जो शेप है उसके अंदर हमने एक पार्टिकल को छोड़ा और वी वेग से छोड़ा है, तो कुछ टाइम बाद वो वर्टेक्स पर होगा, तो वो टाइम जो है वो इतना होगा, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, वो फॉर्मूले का हम यूज करेंगे क्या, कि v² = माइनस जी बाई फोर ए एस स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे हमने s की वैल्यू 4a, क्योंकि इस a पॉइंट पे हमारे s की वैल्यू 4a होती है, और वेलोसिटी हमने जीरो मानते हैं विरामावस्था से चलते हैं तब, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी हम v लेंगे, कैपिटल v, ठीक है। तो एट पॉइंट ए या फिर कस्प के स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारे पास v इज इक्वल टू कैपिटल v एंड s इज इक्वल टू 4a होता है। तो देखिए, अब हम इस c की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी स्मॉल वी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर प्लस टू सॉरी फोर ए जी माइनस जी बाई फोर ए एस स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसमें से ये जी बाई फोर ए कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई फोर ए, यहाँ से कॉमन आ गया, और यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में लगा दो, तो इसके 4a/c मल्टीप्लाई में लग गया किसके, वी स्क्वायर प्लस फोर ए जी और माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, इतना, ठीक है। अब हम इसका अनरूट करेंगे और फिर हम t और s में रिलेशन निकालेंगे। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई फोर ए अंडर रूट 4a/c कैपिटल वी स्क्वायर 4az माइनस एस स्क्वायर। अब हम इस v को क्या लिखेंगे, ds/dt।
अब एक चीज नोट करो, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा जब इस कंट्रोल लेंगे, नेगेटिव साइन, बिकॉज एस जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, एस जो वो कम होती जा रही है, जीरो, जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे हम, वर्टेक्स की तरफ जाएंगे तो हमारा एस है वो कम होता जाएगा, तो इसलिए नेगेटिव साइन लग जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन करें, मतलब एस की तरफ, ये एस की तरफ जो सारी है वो एस की तरफ ले आओ, तो ये नेगेटिव पूरा सारा ताम झाम इस साइड ले आओ, तो इधर लाओगे तो माइनस ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4a/z बन जाएगा, और ये बन जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट 4a/z कैपिटल वी स्क्वायर प्लस 4az माइनस एस स्क्वायर, ds is equal to dt, ठीक है। अब देखो इसका ना आगे हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन देखो कहाँ से चलना था अपने को, ये यहाँ से चल के और वर्टेक्स तक आना है, तो यहाँ पे s इज इक्वल टू कितना होता है 4a होता है, और यहाँ पे s कितना होता है 0 होता है, यानी कि s की लिमिट तो चलेगी 4a से लेके 0 तक, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे टाइम तो स्टार्टिंग में क्या था 0 था, और यहाँ तक पहुँचने मान लो t टाइम लग जाता है 0 टू 2 ठीक। अब इसको बस सोल्व करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। तो देखो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, तो माइनस अंडर रूट 4a/z को तो एज इट इज रखो, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स, इसको बाहर ही ले लो, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये सॉरी a के अंदर इंक्लूड है, ये वाला a के अंदर इंक्लूड है, ठीक है, a के अंदर है पूरा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स ये s आएगा और डिवाइड में इसका अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 4a/z और अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 4az, और इसकी लिमिट रखनी है अपने को 4a से लेके 0 तक, 4a से लेके 0 तक, और इज इक्वल टू ये आ गया अपने पास t, यानी कि ओवरऑल अपने पास t आ जाएगा जो पूछा गया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन अपर लिमिट रखोगे तब तो 0 हो गया ये, क्योंकि s की वैल्यू 0, यानी कि पूरा 0, यानी कि साइन इनवर्स 0 की वैल्यू तो 0, और 4a रखोगे तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, तो बाहर तो आगे 2 बाहर ले लो, तो a/z और साइन इनवर्स यहाँ पे 4a रख दो यहाँ पे, और ये अंडर रूट जी ऊपर ले आओ, अंडर रूट जी डिवाइड में अंडर रूट 4a और अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 4az, इतना ठीक है। इसको 2 रूट a/z और साइन इनवर्स ये 4a और ये 4a कैंसिल आउट, ये हो गया 4az रूट में आ जाएगा 4az, और डिवाइड में क्या आ गया अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 4az। तो अब इसको ना टेन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, टेन में कन्वर्ट कर लेंगे कैसे, देखो इसको थीटा की इक्वल मान लो कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, थीटा की इक्वल आ रही है, मैं आपको कन्वर्ट करके बता देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 4az डिवाइड बाय वी स्क्वायर प्लस 4az इज इक्वल टू थीटा मान लिया, ठीक है। तो साइन को आप इस साइड ले आ सकते हो ना, तो साइन को आप ना इस साइड ही ले आओ, तो इस साइड लाओगे तो साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब आप एक ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमें क्या दे रखा है अंडर रूट 4az, और हाइपोटेनियस क्या दे रखा है अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 4az। तो आपको निकालना है ये बेस, तो बेस के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे पाइथागोरस में, तो बेस स्क्वायर और प्लस ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि 4az इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वी स्क्वायर प्लस 4az, 4az 4az कैंसिल आउट, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर आ गया है ना, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर है, तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ओनली वी आएगा, ठीक है, ओनली वी, ओके। तो टेन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो टेन थीटा इज, सॉरी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया,
टेन परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है, यानी कि अंडर रूट 4AZ/V आता है ना। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, टेन इनवर्स 4AZ/V। तो आप इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ये पूरी वैल्यू हमने क्या मानी थी, थीटा के इक्वल मानी थी, और इसको आप क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स में भी लिख सकते हो। तो बाहर तो 2√AZ, तो ये अपने पास टाइम आ रहा है, ठीक है, टी इज इक्वल टू 2√A/Z और टेन इनवर्स अंडर रूट 4AZ/V। तो यही हमसे रिक्वायर्ड टाइम था, कहाँ से चल के कहाँ तक है ये पता है, यहाँ से चले थे हम और ये वर्टेक्स तक पहुँचने में जो टाइम लगता है, प्लस ये वी वेलोसिटी, यहाँ से वेलोसिटी वी होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम हमें इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो समझ में आया ना ये वाला लेक्चर, तो हम इसके ऊपर काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, और एक लेक्चर और मैं आपको इसी के ऊपर एग्जाम्पल करवाऊँगा, और फिर तो हमारा ये बी एक्सरसाइज बस यही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है, तो बस नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एक्सरसाइज करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।